हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो थे इकल्यान स्कॉलरशिप का वेट कर रहे थे कि इकल्यान स्कॉलरशिप कब खुलेगा क्लास 11 से लेकर अपर स्टडी के लिए, क्योंकि आपको बता दें स्टूडेंट 1 से 10 तक के लिए पोस्ट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यहां पर ओपन कर दिया गया था और अमाउंट भी उनको मिल गया था। अब यहां पर बच गया जो कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, यानी कि उन सभी को यहां पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपका यहां पर कब खुलेगा, ठीक है, यानी कि 11th क्लास 12th क्लास या फिर डिप्लोमा या फिर ITI या फिर ग्रेजुएशन या फिर PG PhD चाहे जो भी है, डजंट मैटर, BTech कोई भी कोर्सेज हैं, ठीक है, BEd के लिए या फिर किसी भी कोर्स में जो पोस्ट मैट्रिक के अंदर आते हैं, उन सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर इकल्यान के डिपार्टमेंट की तरफ से, झारखंड इकल्यान के डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर दे दिया गया है, ठीक है। मैं आपको यहां पर सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन यहां पर अप्लाई कर पाएंगे और यहां पर हम एक चीज और डिस्कस करने वाले कि आप सभी लोगों का कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट चाहिए इकल्यान स्कॉलरशिप को ऑनलाइन करने के लिए या फिर भरने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ऑनलाइन तो सभी कोई करते हैं, बट डॉक्यूमेंट यहां पर उनका गलत हो जाता है तो स्कॉलरशिप अमाउंट उनको नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, कब से आपका स्टार्ट होगा, यानी कि आप कब स्टार्ट कर पाइएगा स्कॉलरशिप भरने, लास्ट डेट क्या रहेगा, इसके साथ साथ यहां पर इनके तरफ से एक PDF भेजा गया, यानी कि विज्ञप्ति निकाला गया, नोटिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो यहां पर कंप्लीट हम आपको पढ़कर सारी चीजें आपको बताएंगे। और ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, टच एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, आप वहां पर जाकर इनका ऑफिशियल जो वेबसाइट का यानी कि नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में निकाला गया और अप्लाई करने का डेट कब से आपका चालू है और लास्ट डेट कब है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, हमको पता है, जो कि स्कॉलरशिप पे ही यहां पर पढ़ पाते हैं, तभी उनको यहां पर घर से कम पैसा लगता है, तभी वो एडमिशन ले पाते हैं हायर स्टडी में। नहीं तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपना स्टडी को छोड़ देते हैं ड्यू टू पैसे का रीजन से। तो इकल्यान स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में सारी चीजें आपको बताएंगे और हम दिखाएंगे भी। मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, काफी चीजें यहाँ पर दिया गया है जो कि हम नहीं आपको बताएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखंड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोरहाबादी रांची, ये उनका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या आप दे सकते हैं, पत्रांक यहाँ पर 3, छात्रवृत्ति ज्ञापन 1/2016 308 है, ठीक है, यानी कि ये आपका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, मैं इनको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका दिनांक लिखा हुआ है, यानी कि नोटिफिकेशन कब निकाला गया है, तो 20 फरवरी 2023, यानी कि आज ही के दिन कुछ ही देर पहले यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है, 20 फरवरी 2023 को, ठीक है। क्या लिखा गया है, मैं आपको विषय आपको बता दे रहा हूं यहां पर पढ़कर, जो कि आप लोगों को समझ लेना है। विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में, यानी कि यहां पर बता दे, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23, आपको पता होगा 2022-23 यहां पर आपका चल रहा है एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन ईयर है 2022-23 में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रवेश उत्तर छात्रवृत्ति यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के संबंध में सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है, ठीक है। यानी कि आपको बता दे, कल यहां पर पेपर में इनको यहां पर जो है सारा पेपर में हिंदी इंग्लिश जो भी आपका झारखंड में पेपर आता है, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, उसमें सभी में आपको विज्ञापन मिलेगा, ठीक है। बट यहां पर क्या विज्ञापन निकाला गया मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट यहां पर है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आदिवासी कल्याण, आपका जो एड्रेस दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है, प्रवेश उत्तर पाठ्यक्रम में अध्यांतरण अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो आपका SC ST और OBC है, ठीक है, के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना 2022-23 हेतु आवेदन में से संबंधित आवश्यक सूचना, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन है क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्कॉलरशिप आपका दो तरह का होता है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए होता है 1 से 10 तक क्लास के लिए, उसके बाद आपका जो होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसे हम प्रवेश उत्तर पाठ्यक्रम स्कॉलरशिप भी बोल सकते हैं, जो पोस्ट मैट्रिक होता है जो 11th क्लास से लेकर हायर स्टडी तक का होता है, जो भी आप हायर स्टडी करते हैं जो भी कोर्स एलिजिबल है उन सभी को मिलता है। तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ये डेट है, प्री मैट्रिक का 1 से 10 तक का होता है और 11th से लेकर जो हायर स्टडी होता है उसके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है। तो क्या है, देखिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST एवं पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 1 और OBC 2 इनमें दोनों आते हैं, ठीक है, के
छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष फाइनेंस ईयर 2022-23 में प्रवेशकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बता दें जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जिनका भी यहाँ पर सेशन 2022-23 है या फिर पहले भी एडमिशन ले चुके हैं वो अगर प्रेस नहीं कर पाएंगे तो रिन्यूअल करेंगे। ठीक है, वो मैं बाद में बात बताऊंगा, उसके लिए आपको दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, फर्स्ट में आपका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा। ठीक है, इस बार यहाँ पर देख लीजिए अधिसीमा आपका क्या रखा, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम आपका कितना का होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, अनुसूचित जाति यानी कि आपका SC, अनुसूचित जनजाति ST एवं पिछड़ा जाति। ठीक है, पिछड़ा जाति मतलब OBC 1-2 के छात्र छात्राओं जिनके माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 2.5 लाख, ठीक है, रुपए से अधिक नहीं हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट 2.50 लाख रुपए से अधिक का है वो एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए बोल दिया गया है 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए, नहीं हो यानी कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2,51,000 का है तो नहीं चलेगा, 2,55,000 का है तो नहीं चलेगा, 2,50,000 से कम का है या फिर 2,50,000 तक का है तो चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक चीज मैं और भी आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप या सॉरी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इकलन का भर रहे हैं तो कोई और स्कॉलरशिप आप नहीं भर पाएंगे, ये बात आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट को एक सेशन में एक ही स्कॉलरशिप यहाँ पर भरना होता है। अब देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि इनकम मैं बता दिया 2.5 लाख से कम का होना चाहिए, इससे ज्यादा का होगा तो नहीं चलेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट ekalyan.cgg.gov.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, में दिए गए सभी निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, जो भी इनका टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ वही और आप जो भी है आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, करना एवं सभी निमंकित वांछित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी JPG में 1 MB तक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। ठीक है, यानी कि इनका जो फाइल होना चाहिए JPG का वो 1 MB से कम का होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा होगा तो वो नहीं चलेगा, वो मैं आपको जब अप्लाई करेंगे उस टाइम कंप्लीट वीडियो बना देंगे, वो आप देख लीजिएगा, उस टाइम आपको सारी चीज़ वहाँ पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कि अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्या क्या चाहिए वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट या तो आपका अंचलाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए, यानी कि ब्लॉक लेवल से CIC जो होते हैं वहाँ से, या फिर अनुमंडल पदाधिकारी STO लेवल से या फिर DC के लेवल से निर्गत है आपका इनकम सर्टिफिकेट तो वो चलेगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक पदाधिकारी आपका निर्गत किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपका जो होना चाहिए मूल प्रति का स्कैन कॉपी देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, दिनांक 1 सितंबर 2022, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप देख लीजिए, दिनांक 1 सितंबर 2022 अथवा उस तिथि के बाद से आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यहां पर देखिए साफ साफ एक चीज यहां पर लिख दिया गया है कि जो इनकम सर्टिफिकेट होगा डियर स्टूडेंट वो 1 सितंबर 2022 या फिर उसके बाद से निर्गत के कोई भी तिथि का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। वहीं मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका अगर 30 अगस्त का है या फिर अगस्त मंथ का अगस्त 2022 का है तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका अगस्त मंथ का अगस्त 2022 का कोई भी इशू डेट है इनकम सर्टिफिकेट में तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। इसी में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें डेट ऑफ इशू होता है, वहाँ पर आपका 1 सितंबर 2022 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत का, यानी कि बाद के निर्गत का मतलब क्या हुआ कि आपका 2 सितंबर 3 सितंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 जनवरी 2023 ये का होगा चलेगा, बट अगर इससे पहले का बोलिएगा, मान लीजिए अगस्त मंथ का बोलिएगा या फिर जुलाई का बोलिएगा तो वो आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा इनकम वाला, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकम जो होता है वो फाइनेंस ईयर कवर करते हैं, इसके लिए ये बात को आपको ध्यान रखना है, जो डेट दिया है वही डेट के अंदर का आपका होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए दूसरी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सर्टिफिकेट है जो आपको बता दे रहा हूँ,
सेकंड में ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आपका अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति चाहिए। ठीक है, ये जो है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ ऑनलाइन से बोला गया, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत होना चाहिए, यानी कि इसका कोई डेट यहाँ पर नहीं है, बस वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, बट जितना करंट होगा वही डालिएगा, आपके लिए वो बेहतर होगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्जी, जो भी डालना है डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए थर्ड में, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं स्थानीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी हम इंग्लिश में इनको बोलते हैं, वो भी आपका अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपयुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति होनी चाहिए, यानी कि कोई भी पदाधिकारी से, कहीं से भी एक भी पदाधिकारी से निर्गत है आपका तो वो आपका चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर नंबर पे काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर देख लीजिए, संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत, ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट सभी कॉलेज में मिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पर डेट आपका ओपन कर दिया गया है, तो जो भी होगा वो अपना बोनाफाइड बना कर देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको जो बोनाफाइड लेना है उनमें फी स्ट्रक्चर मेंशन होना चाहिए, विथ फी स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया गया, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। वही लिखा है संस्थान की लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट विथ फी स्ट्रक्चर निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ, यानी कि जो उनका मतलब कि सीरियल नंबर है बोनाफाइड का वो होना चाहिए और जो डेट को इश्यू किया गया वो होना चाहिए, कि मूल प्रति एक पृष्ठी में आपको स्कैन करके देना है। ठीक है, फाइव में आपका क्या है वो आपको मैं बता दे रहा हूं, पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम की अभी प्रमाणित पत्र, यहां पर देखिए प्रति, सॉरी अभी प्रमाणित प्रति का मतलब क्या होता है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, ये बात का ध्यान रखिएगा, सॉरी मैं आपको बता रहा हूं अभी प्रमाणित प्रति का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका मार्कशीट है डियर स्टूडेंट, ये आपका मार्कशीट है, मार्कशीट के नीचे जब यहां पर आपका जेरॉक्स करवाएंगे उसके बाद नीचे में अपना साइन यहां पर कर दीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा, इससे क्या कंफर्मेशन होगा, ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया, यानी कि अभी प्रमाणित हो गया, यानी कि स्टूडेंट उनको प्रमाणित करके अपलोड कर रहे हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर जो भी डॉक्यूमेंट है सब में आप साइन करके डालिएगा, बोनाफाइड में आपको कोई साइन करने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर सिर्फ आपको बोला गया है अभी कि मार्कशीट में अभी प्रमाणित करके डालना है, तो सिर्फ मार्कशीट में आपको यहां पर डालना है। ठीक है, अब मार्कशीट के लिए बहुत कंफ्यूजन है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं, देखिए अगर कोई स्टूडेंट यूजी में एडमिशन लिए, यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा मैं बात आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होता है, 12th पास, तो आपको यहां पर 12th प्रीवियस ईयर मार्कशीट में 12th की मार्कशीट डालना है, अगर आप 11th में एडमिशन लिए तो आपको 10th का मार्कशीट डालना है, यानी कि एक साल पहले या एक सेमेस्टर पहले का। वहीं अगर बात करते हैं कोई मिड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन का है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में कोई एग्जामिनेशन, सॉरी इकलन स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको यहां पर सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट डालना है, ऑनलाइन करना है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट को यहां पर अपलोड करना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर मार्कशीट या प्रीवियस सेमेस्टर मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर देख लीजिए, सिक्स नंबर पे छात्रवृत्ति की धनराशि PFMS के माध्यम से आधार इनेबल्ड DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के द्वारा सुयोग्य छात्र छात्राओं के खाते में अंतरित की जाएगी, यानी कि डाला जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बता दे रहा हूँ, आपका जो खाता होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपका बैंक का पासबुक होगा डियर स्टूडेंट, बैंक का पासबुक होगा वो आपके आधार कार्ड से सीड होना चाहिए, सीड यानी कि मतलब सीडिंग का मतलब होता है कि लिंक होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड की मेथड से आपका खाता में पैसा आएगा। ठीक है, वही बोला आधार इनेबल DBT होना चाहिए, यानी कि लिंक होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे उसके लिए भी कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वहां से बहुत इजी तरीका से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है कि नहीं, क्योंकि जिनका अकाउंट लिंक नहीं होगा वो स्कॉलरशिप यहां पर नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली बोल दिया आधार बेस्ड, यहां पर DBT के माध्यम से आपको पैसा दिया जाएगा। यहां पर नेक्स्ट देख लीजिए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं। थर्ड में है ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूं। फर्स्ट में देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्रमांक संख्या, या उसके बाद प्रक्रियात्मक कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि और कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि, यानी कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए फर्स्ट है जो वो संस्थान यानी कि कॉलेज के लिए संस्थान शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इकल्यान पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि, ये जो है कॉलेज के लिए, ये आपके लिए नहीं है, आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। सेकंड में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप यहां पर ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि, ठीक है, देख लीजिए आप यहां जो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट वो 10 मार्च 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक यहां पर आपके लिए पोर्टल ओपन रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, स्कॉलरशिप जो भरने का डेट है स्टूडेंट के लिए वो आपका 10 आप यहां पर देख लीजिए 10 मार्च 2023 से लेकर
17 मार्च 2023 तक यहाँ पर आप भर पाएंगे। यानी कि मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपके पास एक सप्ताह का टाइम है। 10 तारीख को स्टार्ट होगा, 17 तारीख को आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि कितना दिन टाइम है, तो ओनली 7 डेज का आपके पास टाइम है, 7 to 8 डेज का, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बता दें यहाँ पर डेट आपका बाद में बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। ये बात आप लेकर नहीं चलिएगा कि 17 तारीख के बाद आपका पोर्टल फिर से डेट एक्सटेंड किया जाएगा। एक्सटेंड तो किया जाता था बट पोर्टल काफ़ी लेट हो गया है, इसके लिए आप ये कम चांस रखिए कि पोर्टल आपके लिए आगे डेट बढ़ाया जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। 10 तारीख से आपको अप्लाई खुल जाएगा, 10 मार्च 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक, यानी कि 7-8 दिन के दिन ही आपके पास टाइम है। उसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन उनको यहाँ पर कॉलेज संबंधित शैक्षणिक संस्थान के द्वारा यानी कि INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि 10 मार्च 2023 से ये स्टार्ट हो जाएगा और 18 मार्च 2023 तक यहां पर सभी वेरीफाई कर लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, डेट आपके पास कम है, यहां पर 10 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक आपके पास टाइम है, ये बात का ध्यान रखिए। अभी आपके पास देखा जाए तो आज आपका 20 तारीख है, यानी कि आपके पास 20 दिन अभी भी टाइम है। आप अप्लाई जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है जल्दी जल्दी आप यहां पर बना लीजिए, तत्काल सर्विस या फिर जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और यहां पर देखिए ये जो है वो कॉलेज के लिए नोटिस है, तो हम यहां पर ये सब चीजें बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहां पर 7 में जो नोट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए बोला जा रहा है कि पोस्ट मैट्रिक योजना से संबंधित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निर्गत दिशा निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट की ई कल्याण के जो ऑफिशियल वेबसाइट है पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देश को अवश्य पढ़ लिया जाए। ये बोल रहे कि जो भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो आप पढ़ लीजिए, तभी यहाँ पर अप्लाई करिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ, बाकी आप पढ़ के अप्लाई करिएगा। उसके बाद बोल रहा है आप बंधित बजट राशि की सीमा के अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृत हो सकेगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपका इनकम, आपका जो रखा गया इनकम जितना का वैलिड है उतने ही के अंदर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर आपका वैलिड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, फिर से देख लीजिए, निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। फाइनली मैं डेट को लेकर आपको बताया था और डेट के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्या कि देख लीजिए जो टाइम टेबल ये दिए हैं, इसके बाद अगर बोलिएगा कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बढ़ा तो भी ठीक, नहीं बढ़ा तो भी ठीक, वो आप पे डिपेंड करता है आपको अप्लाई करना है कि नहीं। तो जितना जल्दी हो सके आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, छात्र छात्रा को अपना आधार संख्या देना अनिवार्य होगा, आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना अनिवार्य होगा, आधार नंबर। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र छात्रों का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि एक से अधिक आवेदन अगर आप करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। ड्यूअल अप्लाई आप नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि, अशुद्धि, गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि किसी तरह का प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं, अगर उनको लगेगा कि गलत इन्फॉर्मेशन आप दिए हैं तो फिर आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर बात मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर वेट कर रहे थे स्कॉलरशिप का, उसके लिए यहाँ पर बहुत ही खुशी का बात है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इस बार स्कॉलरशिप भरने वाले हैं उन सभी को यहाँ पर भेज दीजिए ताकि वो देखकर अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले, ठीक है। एक बार मैं डॉक्यूमेंट जो जो आपको चाहिए वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, डियर स्टूडेंट डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक आपके लास्ट डेट है, यानी कि इसी के अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप इसी के अंदर 10 मार्च के बाद जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब मैं जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको शॉर्टकट में जल्दी दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट में आपका जो है स्टूडेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए, एक फोटो चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, 1 सितंबर 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का कोई भी तिथि का होगा चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद रेसिडेंट यानी कि स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका जो है 5वां नंबर पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोनाफाइड आपको कॉलेज से लेना पड़ेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर मार्कशीट में 10, 12 जो भी आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर मार्कशीट होगा वो आपको यहाँ पर देना है, अपने अनुसार प्रीवियस ईयर मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर पर है बैंक पासबुक, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको चाहिए। उसके बाद जो स्कॉलरशिप आप भरेंगे उसका स्कैन कॉपी निकलेगा, वो यहाँ पर स्कैन कॉपी अपलोड करना है, ठीक है। तो ये 7-8 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहां पर रेडी करके रखना है, ठीक है। आशा है कि आप सारी चीजें समझ पाए होंगे।
मैं अंत में यही बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, जैसे स्कॉलरशिप पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा मैं यहाँ पर कंप्लीट वीडियो आपको बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। आप मोबाइल फ़ोन से ईजिली या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से वीडियो देखकर अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ईजी प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का, या जैसा भी प्रोसेस रहेगा मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दूंगा ताकि आप देखकर अपना स्कॉलरशिप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी के लिए बहुत ही खुशी का यहाँ पर ये वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप का डेट ओपन हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।